ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। आज मैं आपको एक ऐसा यंत्र दूंगा जिससे कि जो भी स्त्रियां हैं वो पुरुष का वशीकरण कर सकती हैं। बहुत ही गूढ़, बहुत ही चमत्कारी मंत्र जो कि लाखों रुपए खर्च करने पर भी आपको कोई ना दे। इस यंत्र की खास बात यह है कि ये आपके प्रियजन को, जैसे कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग रूठ कर चले जाते हैं, घर छोड़ देते हैं, डाइवोर्स तक की नौबत आ जाती है, तो ऐसे स्थान में जो है इस तंत्र को लगाया जा सकता है। यदि आपके पति किसी गैर स्त्री के साथ संबंध बनाए हुए हैं, यदि आपको कुछ ही दिनों पहले पता लगा है कि आपके जो पति हैं वो किसी तीसरी औरत से प्रेम में लिप्त हैं, तो इस तंत्र का प्रयोग किया जा सकता है। आपको क्या करना है कि 21 दिनों तक आपको जो मैं यंत्र दे रहा हूं इसकी साधना करनी होगी। इस यंत्र को किसी भी ताम्र पत्र पर, भोज पत्र पर अंकित कर लेना है। अंकित आपको करना है अनार की कलम से और रोली से। आपको क्या करना है कि एक त्रिभुज बनाना है और त्रिभुज के तीनों कोनों पर आपको त्रिशूल बना देनी है और बीच में इस त्रिभुज के आपको लिखना है ह्रीम। इस यंत्र को जब होली हो, दिवाली हो, ग्रहण काल हो, पूर्णिमा हो या फिर कोई ऐसा नक्षत्र हो जो कि आपके लिए फलदायी हो, आपको अच्छे फल देता हो, उस समय पर इसका निर्माण किया जा सकता है। और निर्माण करते वक्त आपके आसपास कोई दूसरा ना हो जब इसका निर्माण करें, तो ये सुनिश्चित करें कि आप दूर दूर तक और कोई नहीं है, बस आप ही हैं, तब इसका निर्माण करें। और निर्माण के पश्चात आपको 3 बीज मंत्र जो हैं 21 दिनों तक इस पर अभिमंत्रित करने हैं। मंत्र है ओम आयम ह्रीम। इन 3 मंत्रों का 10,000 की संख्या में आपको जाप करना है रोज, और इसके बाद जो है ये यंत्र सिद्ध हो जाएगा। इस यंत्र को ताबीज बनाकर, जैसे एक चांदी या सोने का ताबीज लीजिएगा और जो मोमजामा होता है, प्लास्टिक जिसे कहते हैं, पन्नी भी कहते हैं, उसमें इसको लपेटकर सुरक्षित ऐसे डाल दीजिएगा कि ये इसमें पानी ना लगे, और इसके बाद ताबीज़ को बंद करके पहन लीजिएगा। यकीन मानिए, चाहे सालों से कोई घर छोड़कर गया हो, चाहे कितना ही घनिष्ठ रिश्ता बाहर क्यों ना बन गया हो, वो भी इस तंत्र से दूर होता है। आपका कोई घनिष्ठ मित्र जो है वो रूट कर इधर उधर चला गया हो, आपसे बात ना कर रहा हो, तो भी ये तंत्र आप कर सकते हैं। जब भी इस यंत्र को बनाएं तो सुनिश्चित करें कि जिस दिन से आप शुरू करेंगे वो बुधवार हो। बुधवार के दिन सूर्य की तरफ मुख करके बैठ जाएं। अपने ग्राम देव को, अपने इष्ट देव को, सबको प्रणाम करके इस अनुष्ठान में सफलता के लिए प्रार्थना करें, और उसके बाद आपको ये यंत्र बनाना शुरू करना है। यंत्र बड़ा ही सरल है। एक त्रिभुज के भीतर आपको लिखना है ह्रीम और उसकी तीनों कोनों पर आपको त्रिशूल बना देनी है, बस। यदि समझ में ना आए तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपको व्हाट्सएप में भी इसकी एक चित्रलिपि भेज दूंगा।
इसके बाद जो है सात्विक होकर बैठ जाएं और अपने इष्टों का स्मरण करके उनसे आज्ञा लेकर इस यंत्र का निर्माण करें। ये यंत्र जब निर्माण करें तो या आप ये सुनिश्चित करें कि एक सुगंध जो है वो कमरे के अंदर फैली हो, आसपास कोई और ऐसी आवाज़ ना आ रही हो जो कि आपका ध्यान भंग करे। इस यंत्र को इतने प्रेम पूर्वक बनाइएगा कि इसमें जो है तीनों शक्तियां जो है वो विराजमान हों। इसके बाद इस यंत्र को किसी मोम जामे में लपेटकर एक ताबीज़ में भर लें और यंत्र राज से प्रणाम करके उनसे अपना अनुग्रह करके कि मुझे ये चाहिए और ये मेरे कष्ट हैं, इन सबको दूर करें, इसलिए मैं आपको आज धारण कर रही हूँ। तो देखते ही देखते जो भी आपके कष्ट होंगे वो न जाने कहाँ चले जाएंगे। मैंने लाखों लोगों पर ये तंत्र प्रयोग करके देखा है और ये सटीक लगता है। इसमें ऐसी अद्वितीय शक्ति है कि आप सोचेंगे बाद में उससे पहले ही आपकी मनोकामनाएं पूर्ण कर देगा। इस यंत्र से जन्म जन्मांतर तक के रिश्ते बनाए जा सकते हैं। यदि एक बार किसी को सोचकर अपनी इच्छा शक्ति से आप उसको अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, किसी का विस्मरण कीजिए और जो भी साध्य व्यक्ति है वो बस आपकी ओर खींचा चला आएगा। मैंने इससे ऐसे चमत्कार भी देखे हैं कि कई लोग आते हैं कि गुरुजी हमारी कोई महिला मित्र नहीं है, कोई हमारा साथी नहीं है, कोई हमारी गर्लफ्रेंड नहीं बनती या बॉयफ्रेंड नहीं बनता, तो उस स्थान पर ये यंत्र सटीक काम करता है। मैं आपको बताता हूँ, जब मैं यंत्र बनाना सीख रहा था उस समय मैं छठी कक्षा में था, छठी या पाँचवीं में होऊंगा, तो उस समय क्या होता था कि ये जो यंत्र हैं, तंत्र मंत्र, इन सबको एक ढकोसला समझा जाता था। हिंदी की क्लास थी और मैं सुबह सुबह यंत्र निर्माण करने में लगा हुआ हूँ, क्योंकि मैं सबसे छुपा कर करता था। क्लास में कौन है कौन नहीं है इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। अगर मैं यंत्र बनाने बैठा हूँ तो मुझे ये भी नहीं पता होता था कि मेरे साथ कौन बैठा है। तो मैं लगा हुआ हूँ अपने ही यंत्र निर्माण में और सुबह सुबह जो है क्लास टीचर आ जाती हैं क्लास में, तो सारे बच्चे खड़े हो जाते हैं, लेकिन मेरा जो ध्यान था वो यंत्र निर्माण में ही था। तो मैं बैठा रहा और सारे खड़े हो गए, तो जो गुरुजी थे उनका ध्यान मेरे ऊपर आकर्षित हुआ। तो सुबह सुबह जो है मुझे इतनी मार पड़ी कि आप पूछिए मत, और मुझे प्रिंसिपल ऑफिस ले जाएगा। तो कुछ खास हुआ नहीं, लेकिन मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपको जो अपना ध्यान है, चाहे कुछ भी हो रहा हो, चाहे बाहर आग लगी हो, आपका ध्यान जो है वो एकाग्रचित होना चाहिए। एक अगर कहीं बम भी फट जाए तो भी आपको हिलना नहीं है, क्योंकि साधनाएं ऐसी होती हैं इनमें जो है विपत्ति आपत्ति बहुत कुछ आता है, लेकिन आपको जो है एक स्थिर मन से, एकदम शांत मन से इसका निर्माण करते रहना है। चाहे कुछ भी हो, उठना नहीं है आपको। एक बार जब यंत्र निर्माण पूरा हो जाए उसके बाद आपको यंत्र राज से हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है और फिर इसको धारण कर लेना है। धारण आप बुधवार को ही कर सकते हैं, और जिस दिन से आप धारण करें उस दिन से 21 दिनों तक आपको इस ताबीज़ को इस मंत्र से अभिमंत्रित करना है जो मैंने पहले आपको बताया, ओम एम ह्रीम। तो इस ब्रह्मांड में कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो आपके पास विचरण कर रही हैं, लेकिन आप उसे देख नहीं पाते। जिस तरह से हवा हो गई, हवा को जो है हम देख नहीं पाते, लेकिन उसके बिना हम रह भी नहीं सकते। इसी प्रकार न जाने कितने प्रेत, कितनी ऐसी योनियां हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं है, वो भी हमारे साथ ही विचरण करती हैं, किंतु हमारी आँखों की जो क्षमता है वो अभी इतनी विकसित नहीं हुई कि उन चीज़ों को देख सके। अब उन चीज़ों से संपर्क कैसे साधा जाता है वो मैंने आज आपको बता दिया है। इस यंत्र से कुछ ऐसी अलौकिक शक्तियाँ जो हैं आपके हित में काम करेंगी और आपके बिगड़े हुए काम को बना डालेंगी।
यदि यंत्र समझ में ना आए हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9999284 1625 पर। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं info@mohiniwidya.com पर। धन्यवाद।